शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। कहीं छिन जाए ना आजादी, फिर खिले ना सपनों की वादी। रिश्ते में बंध कर ले तुम, जोड़ ले गरीबों की सुनो, तुम्हारी सुनेगा। एक पैसा दोगे 10 लाख मिलेगा। ले लो यार, ले लो, कोई तो ले लो मूंगफली। अरे भाई साहब, बहुत थके लग रहे हो, थोड़ी मूंगफली ले लो, एकदम तरो ताजा हो जाओगे। जाओ भाई जाओ, दिमाग मत खराब कर रहे हो। मूंगफली तो ले लो, कोई तो खरीदो यार। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। भाई साहब, मूंगफली ले लो ना। नहीं चाहिए। अरे भाई, ले लो ना भाई। नहीं चाहिए ना यार, ये लो ना मूंगफली। नहीं चाहिए, निकाल देंगे। नहीं बता दूंगे। जारो जारो, गरीबों की सुनो। सर मूंगफली ले लो। अरे जाए यहाँ से यार। सर मूंगफली ले लो अपनी। अरे जाए यहाँ से। सर ले लो ना, मेरे भविष्य का सवाल है सर। अबे मूंगफली से तेरा भविष्य का क्या लेना देना? बिल्कुल है सर, दिन का जोड़ कर बसेरा बनता है, बूंद बूंद पानी से मुंशी पलटी का पानी भरता है। ऐसा एक एक मूंगफली से मैं अपने सपनों का महल खड़ा करूंगा सर। मूंगफली से सपनों का महल। अरे जा यहाँ से पागल कहीं का। ओए तू जाता है यहाँ से या बुलाऊं लोगों को? मार मार के तेरा भुर्ता बना देंगे। यहाँ से जाता नहीं है पागल कहीं का। माँ मल गया, तेरी माँ मरे, तेरा खानदान मरे। ओए क्या बोला तू? अरे मेरी मरे, मेरी मरे, मम्मे सब मरेगे, तेरा खानदान भी। बे पॉन्टी, ये तूने क्या हाल बना रखा है? ना पैर में चप्पल, शरीर पे आधे अधूरे कपड़े। अरे क्या हाल बना रखा है तूने? तू चल मेरे साथ। और ये सब टोकरी लेगा मूंगफली की, ये क्या कर रहा है? नहीं टीटू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने फैसला ले लिया है कि मेहनत और ईमानदारी से मैं पैसा कमाऊंगा और डबराल फैमिली का एक लौता जमाई बनूंगा। नहीं नहीं दूसरा यार। ये सब करके, अबे मूंगफली बेच के? पॉन्टी ये सब तू करके डबराल खानदान तो क्या, अबे मेरे खानदान तक नहीं पहुंच पाएगा। अब डबराल खानदान जैसा बड़ा बनना है ना तो कुछ अलग कर और खूब बड़ा सोच, बड़ा। समझ में आया? अरे पर मूंगफली से बड़ा और क्या हो सकता है यार। मैं बुद्धू तुझे कैसे समझाऊं? तू चल मेरे साथ, तू चल। श्लोक, श्लोक तुम मुझे बहुत क्यूट लगते हो। और तुम्हारे ये होंठ, तुम्हारे होंठ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारी आंखें। बुआ जी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं प्लीज थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। हाँ बेटा, रात का सफर बहुत ही लंबा था, सब थक गए, तुम भी जाकर सो जाओ। थैंक यू, चल जा रही हूँ। श्लोक, श्लोक स्वाति, श्लोक अभी अभी सोकर उठा लगता है, तुमने उसे प्रसाद दे दिया? जी बुआ जी, अभी थक गए होंगे, जाके आराम कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। अरे ये श्लोक कहाँ गया? शायद बाथरूम में होगा। श्लोक, श्लोक, श्लोक मैं तुम्हारे लिए
बाथरूम में भी नहीं है, फिर कहाँ गया? श्लोक, हॉस्पिटल जा रही हूँ। कौन हो तुम? तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो? और रोज रोज मुझे यहाँ खाना देने क्यों आती हो? कहा था ना मैंने तुमसे कि मैं वो हूँ जो सारी दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, समझी तुम? लेकिन क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है? तुम मुझे बता क्यों नहीं देती हो कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? क्यों करती हो तुम ऐसा मेरे साथ? क्यों? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ? कौन है तुम? रिश्ता? तुम्हारा मेरा खून का रिश्ता है और तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूँ। माँ हो तुम मेरी, क्या बात है स्वाति बेटा? कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं बुआजी, ऐसे कोई बात नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। नहीं बुआजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी थकान सी लग रही थी। हाँ, सफर भी तो इतना लंबा था, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। हाँ मैं वही जा रही थी। हाँ ठीक है। अरे स्वाति, श्लोक कहाँ है? तुमने उसे प्रसाद दिया कि नहीं? श्लोक अभी नहाने गए हैं, मैं उसे बाद में प्रसाद दूंगी। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर पहले ही आए। कैसी रही आपकी तीर्थ यात्रा? बहुत अच्छी, और माँ के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। लेकिन लेकिन क्या? पता नहीं वीरू, मन पे एक डर सा लगा रहता है। लगता है हमारा बुरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। तुम तो जानते हो श्लोक के पापा की हालत, और अब अक्षरा की हालत मुझसे देख ही नहीं जाती। पता नहीं माँ मेरी प्रार्थना सुनेगी भी या नहीं। अरे भाभी, क्यों नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे, आप ज्यादा फिक्र मत किया करो। पता नहीं ऐसा कब तक होगा वीरू, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वो मनोज इस घर में है। तब तक कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं है मुझे। किसकी बात कर रही है? और किसकी, उस स्वाति की। एक ही तो मनोज है हमारे घर में। तेरे भैया और माँ जी ने उसे ऐसे सर पे चढ़ा रखा है कि उनके ना होने पर भी मैं उसे इस घर से निकाल नहीं पा रही हूँ। आप ज्यादा फिक्र मत किया करो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए, सब सही हो जाएगा, और फिर मेरे यहाँ होते हुए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक तुझे ही तो उम्मीद है वीरू, अच्छा हुआ तू जो यहाँ आ गया, वरना
खैर छोड़। अच्छा जिस काम के लिए तू इंडिया आया है उसमें कुछ कामयाबी मिली? नहीं भाभी, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। और वीरेंद्र डबराल अगर किसी काम को करने की ठान लेता है तो फिर उसे करके ही छोड़ता है, और इस अधूरे काम को भी मैं बहुत जल्द पूरा कर लूंगा। हाँ शंकर बोलो। ठीक है मैं आता हूं भाभी, मैं आता हूं। ठीक। कैसे आया? हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? कैसे हैं? मैंने तुम्हें यहाँ अपना हालचाल जानने के लिए नहीं बुलाया। जो काम कहा था उसका क्या हुआ? डबराल साहब काम चल रहा है, बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। काम चल रहा है तो फिर चल रही है, कब पता करोगे? इतनी देर हो गई। डबराल साहब आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस शख्स को हम तलाश कर रहे हैं उसके बारे में मेरे पास सिर्फ उसके नाम के अलावा और कोई जानकारी नहीं है। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताओ। अगर मेरे पास कुछ जानकारी होती तो मैं यहाँ खड़ा तुम्हारी शक्ल नहीं देख रहा होता। ये काम मैं तब तुम्हें नहीं देता, खुद कर लेता। इतने बड़े शहर में किसी को नाम के सहारे ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। और मान लीजिए अगर मैंने इसे ढूंढ भी लिया तो मैं इसे पहचानूंगा कैसे? और से देख लो, यही वो औरत है जिसे तुम्हें ढूंढना। ये हुई ना बात। तुम
मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? अब नहीं, अभी नहीं। आप स्वाति, तुम ट्रिप से वापस कब आई? ट्रिप कैसे रही? ट्रिप अच्छा था। अरे स्वाति, कल क्या हुआ? ऑफिस आने में लेट हो गया तो मैं इन्हीं कपड़ों में छत पे सो गया। बस अभी आ रहा हूं वहां से, मैं फ्रेश होके आता हूं। श्लोक। हाँ स्वाति। मैंने कभी तुमसे किसी बात का जवाब नहीं मांगा। तुमने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है शायद कोई और नहीं कर पाता, इसीलिए तुम्हें सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। श्लोक, विक्की से बचाने के लिए तुमने मुझे अपने आप से छोड़ लिया था। स्वाति, लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक हो गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, अब सब ठीक हो चुका है, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। कौन सी बात है? यही कि कल जो कुछ भी था आज वो मजबूरी हमारे बीच नहीं है। मुझे लगता है कि ये रिश्ता, ये शादी एक समझौता है, संबंध नहीं। और शादी तो दो लोगों के बीच का एक बंधन होता है, ना कि कोई बंदिश। इसलिए तुम आज से इस बंदिश से आजाद हो सकते हो। श्लोक, अभी कैसी बातें कर रही है? मैं ठीक कह रही हूं श्लोक, अब समय आ गया है कि हम इस मजबूरी को यही खत्म कर दे और अपनी अपनी जिंदगी के राह पकड़ ले। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूं।